हेलो दोस्तों दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें कि ये काइने मास्टर ऐप अपडेट की वीडियो है। लेकिन ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो आपके लिए सभी अपडेट और सभी फीचर्स आपके लिए उस एप्लीकेशन में मिलेंगे, ना कि काइने मास्टर मोड एप्लीकेशन में। तो दोस्तों अभी तक आपने काइने मास्टर मोड का ही यूज़ किया होगा, मगर ये अपडेट है प्ले स्टोर से इंस्टॉल की गई एप्लीकेशन में। तो दोस्तों इसमें जो फीचर्स हैं, जो अपडेट आए हैं, वो बहुत ही गजब के और बहुत ही शानदार हैं। तो दोस्तों इन्हें भी जानना बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको ये कैसे पता चलेगा कि प्ले स्टोर के काइने मास्टर में और काइने मास्टर मोड एप्लीकेशन में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या फीचर्स में अंतर है। और दोस्तों ये वीडियो आखिरी तक देखने के बाद आप भी यही कहोगे कि काश ये अपडेट ये सभी फीचर्स मोड एप्लीकेशन में भी आ जाएं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं इन्हीं सभी फीचर्स और काइने मास्टर ऐप से रिलेटेड बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर दोस्तों आप खुश हो जाओगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपके लिए प्ले स्टोर से ये काइने मास्टर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है और इसके सभी फीचर्स को जान लेना है। और वीडियो अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जो हमारे सभी काइने मास्टर ऐप को यूज करने वालों के लिए बहुत ही जरूरी बात है। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले इस एप्लीकेशन को हम प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हैं। आप भी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से ही इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और फिर इसे ओपन करके देखते हैं कि इसमें क्या अपडेट है और क्या क्या नए फीचर्स हैं, और इन सभी नए फीचर्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं इस एप्लीकेशन को कर लिया है हमने इंस्टॉल, और इसे ओपन करते हैं। इसे ओपन करने के बाद इसे स्टार्ट कर देते हैं, और यहां पर आपके सामने साइन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप फ्री यूज करने के लिए इसे क्रॉस कर दीजिए। इसका यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो हम यहाँ पर देखेंगे, इसकी सेटिंग। तो सेटिंग को ओपन कर लेते हैं, और इसको ओपन करने पर आपके सामने पहला ऑप्शन है माई इन्फॉर्मेशन, तो इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने शो होते हैं मंथली चार्जेस और ईयरली चार्जेस। अगर आप चार्जेस के साथ में इसे स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए कई फीचर्स फ्री मिलते हैं और वाटरमार्क वगैरह नहीं मिलता है, या फिर आप इसे साइन कर सकते हैं। सेकंड है अबाउट काइने मास्टर, यहाँ पर एप्लीकेशन का वर्जन शो होता है। और तीसरा है डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आप हाईएस्ट देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में कितनी क्वालिटी तक की वीडियो यहाँ पर सपोर्ट हो रही है। हमारा एंड्रॉइड वर्जन भी काफ़ी कम है और लेयर भी नॉट सपोर्ट बता रहा है। दोस्तों अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन इससे भी ज़्यादा है, यानी 8.1 से भी या इससे भी ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं कि फिर आपके मोबाइल में हो सकता है और भी ज़्यादा क्वालिटी की वीडियो सपोर्ट हो। और अगर आपके मोबाइल में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं हो रही, तो ये जो थ्री डॉट्स हैं आप इसे क्लिक करके लेयर मोड के ऑप्शन पर क्लिक करके देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में हाईएस्ट कितनी वीडियो और कौन सी क्वालिटी तक की वीडियो सपोर्ट होंगी। और दोस्तों अगर आपके मोबाइल में ये सपोर्ट नहीं हो रहा है, तो आप रन एनालाइज का ये जो ऑप्शन आता है, ये जो थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं रन एनालाइज का ऑप्शन आता है, तो इसे एनालाइज करके देख सकते हैं। और इससे आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन फुल एनालाइज करेगा और आपके लिए शो कर देगा कि आपके मोबाइल में वीडियो लेयर सपोर्ट होगी या नहीं होगी, कौन सी क्वालिटी की होगी, तो आप इसे एनालाइज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन अच्छी तरह सपोर्ट होती है तो ये आपके लिए जरूर बताएगा। तो दोस्तों बाकी ऑप्शन आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, ये कोई खास नहीं है। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पर दोस्तों आपके सामने तीन तरह के रेशो शो होते हैं। तो दोस्तों पहला रेशो है 16:9 का, दूसरा है 9:16 का, और तीसरा है 1:1 का। तो दोस्तों फर्स्ट जो रेशो है वो होता है फुल स्क्रीन पर एडिट करने के लिए, दूसरा होता है मोबाइल टाइप की यानी वर्टिकली स्क्रीन पर एडिट करने के लिए, और तीसरा होता है टिकटॉक जैसी स्क्वायर वीडियो एडिट करने के लिए। तो दोस्तों हम यहाँ पर पहला रेशो लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर वाटरमार्क का ऑप्शन नहीं आएगा। मगर दोस्तों जब आप मीडिया के ऑप्शन से कोई भी मीडिया ले लेते हैं, जैसे कि इमेज या फिर कोई भी वीडियो, तो यहाँ पर हम एक इमेज ले लेते हैं, तो कोई भी एक चीज़ लेने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर वाटरमार्क आ जाता है। तो दोस्तों इसे रिमूव करने के लिए हमारे लिए, जैसे कि ये वाटरमार्क है, तो जैसे डिलीट के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे लिए मंथली चार्जेस का ये शो होता है या फिर ईयरली चार्जेस का। तो आप अगर ये लेते हैं तो आपके लिए बाकी फीचर्स भी ऊपर के मिल जाएंगे। मगर दोस्तों अभी हम इस एप्लीकेशन की अपडेट और नए फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब सबसे पहला जो फीचर्स बताने जा रहा हूँ वो है लेयर ऑप्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लेयर के ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने हो सकता है ऊपर मीडिया की जगह इमेज का ऑप्शन आए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपके लिए स्टार्ट में बता चुका हूँ कि अगर आपके मोबाइल में फुल यानी मीडिया का ऑप्शन नहीं आ रहा या फिर वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं हो रहा, तो आप एनालाइज कर सकते हैं, और उस एनालाइज करने के बाद लेयर मोड का ऑप्शन भी एक्टिवेट करके देख सकते हैं कि आपके मोबाइल में लेयर सपोर्ट होती है नहीं। अगर लेयर सपोर्ट होती है तो आपके सामने मीडिया का ऑप्शन आएगा, अगर नहीं होती तो आपके लिए इमेज ही शो होगी।
तो दोस्तों हम मीडिया के ऑप्शन के द्वारा एक वीडियो ले लेते हैं, जैसे कि ये वीडियो को हम टच करते हैं। दोस्तों अगर कोई भी वीडियो को टच करने पर लेने पर अगर आपके लिए इस टाइप का मैसेज आता है तो समझ लीजिए दोस्तों आपके मोबाइल में कि इस एप्लीकेशन में वो वीडियो फुल तरीके से सपोर्ट नहीं थी। अगर ले भी लेते हैं तो एडिटिंग या एक्सपोर्टिंग टाइम पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अगर कोई भी मैसेज नहीं आता तो समझ लीजिए वो वीडियो आपके मोबाइल आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से फुल सपोर्ट थी, इसलिए कोई भी मैसेज नहीं आता इस तरह का। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये वीडियो लेयर ले ली है, जैसा कि ये नीचे वीडियो की टाइमलाइन को जो हम टच करते हैं तो अब आपके सामने साइड में कुछ ऑप्शन शो होते हैं। तो दोस्तों इन सभी ऑप्शन को बताने से पहले हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट और ले लेते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए कंटिन्यू बता सकूं। तो यहाँ पर हम कुछ टाइप कर लेते हैं ये टेक्स्ट के द्वारा, जैसे कि आदर्श नाम ये टाइप कर लिया है, ठीक है। अब इसे टाइप करने के बाद इन सभी लेयर्स के फीचर्स को बारी बारी से अब हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा जो सबसे पहला जो मीडिया है वो है हमने जो इमेज ली थी, तो इसे हम टच करेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन जो आता है, पहले कुछ और इसका आइकॉन था मगर इसका आइकॉन चेंज हो गया है। तो दोस्तों ये वही है पैन जूम का। तो दोस्तों यहाँ पर दो बॉक्स हैं, बॉक्स में आप किसी बॉक्स को आप टच करते हैं तो वहाँ पर अगर आप इमेज को फैला देते हैं और दूसरे इमेज में कुछ और एक्शन देते हैं तो आप देख सकते हैं आपका इफेक्ट कुछ इस तरह से रहेगा, या आप अपने हिसाब से इसे चेंज करके देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप इसे टच करके यहाँ पर कुछ नीचे और ऑप्शन देख सकते हैं, क्लिप ग्राफिक्स कलर्स, इनमें भी कुछ अपडेट हैं। तो क्लिप ग्राफिक तो कुछ खास नहीं है मगर इफेक्ट जो है फिल्टर्स जो हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिक में दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपके जो पहले का जो काइनेमास्टर एप्लीकेशन है उसमें बेसिक में आपके वही फिल्टर्स हैं जो आपने अभी तक अपने मोबाइल में देखे होंगे, अपनी एप्लीकेशन में देखे होंगे, मगर इस एप्लीकेशन में इस अपडेट में ये फिल्टर्स बढ़ चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्म है, कोल्ड है, और इनके अंदर भी कई तरह के फिल्टर्स हैं जो आपके लिए देखने को मिलेंगे और ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ही शानदार हैं। अगर आपके लिए ये चाहिए तो दोस्तों वीडियो आगे तक ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए, आगे आपके लिए इनका जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे इन्हें अप्लाई करते हैं तो आपके सामने वही चार्जेस का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों यहाँ से आते हैं हम बैक, और अब हम ये जो इमेज हमने सेलेक्ट की है इस इमेज को पहले हम दो भागों में कट करेंगे और फिर जो बीच में ट्रांजैक्शन बॉक्स आता है उसमें देखते हैं कि कुछ इफेक्ट्स वगैरह या फिर कुछ ऑप्शन बड़े हैं या नहीं बड़े। तो ये देखिए कट करने के बाद ये जो बीच वाले बॉक्स को जैसे हम टच करते हैं तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इसे चेक करके देख सकते हैं। अब ये जो लेयर टाइमलाइन से नीचे की साइड इन्हें टच करने पर आपके सामने ये जो साइड में ऑप्शन आ जाते हैं इन एनिमेशन आउट एनिमेशन ओवरले, तो इनमें भी दोस्तों आपके क्या अपडेट हैं, क्या फीचर्स बढ़े हैं इन्हें भी आप चेक करके देखिए। यहाँ पर भी आपके लिए कई तरह के नए नए फीचर्स नए नए इफेक्ट आपके लिए मिल जाएंगे, जो आपने पहले एप्लीकेशनों में यूज किए होंगे वो आपके लिए यहाँ पर मिलेंगे ही, मगर आपके लिए एक्स्ट्रा और भी यहाँ पर मिल जाएंगे और भी ज़्यादा बड़े हैं इस अपडेट से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आउट एनिमेशन में भी देख सकते हैं वही अपडेट में सॉरी इसी अपडेट में आपके लिए ये और भी ज़्यादा इफेक्ट आपके लिए मिल जाएंगे। इसी तरह से आपकी कोई भी लेयर है, जैसे कि आप टेक्स्ट लेयर है, टेक्स्ट लेयर में भी आप इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन में ये इफेक्ट और भी ज़्यादा पाएंगे इस अपडेट से। तो दोस्तों अब आपके लिए किसी भी लेयर में इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन में और भी ज़्यादा इफेक्ट आपके लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब है नेक्स्ट क्रोमा की। दोस्तों क्रोमा की का यूज़ वैसे तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए किया जाता है, अगर आपको किसी भी वीडियो का अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपको ये यूज़ आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप हमें पिछली वीडियो भी देख सकते हैं और इस वीडियो में आपके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारी वीडियो है लेयर में उसमें मैं जैसे कि व्हाइट कलर हटाना चाहता हूँ, तो इस वीडियो में व्हाइट कलर में यहाँ पर ये जो देख सकते हैं ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वीडियो का वो कलर उस वीडियो से रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपके लिए क्रोमा की के यूज़ करने हैं या फिर आप हमारी पिछली वीडियो देखकर भी ये सब सीख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है रिवर्स। दोस्तों मैंने पिछली बार वीडियो बनाई थी जिसमें रिवर्स ऑप्शन के लिए मैंने एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का यूज़ किया था, मगर दोस्तों अब ये जो ऑप्शन है वो इसी एप्लीकेशन में ऐड हो गया है रिवर्स, अब आपके लिए एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों एक ड्रॉप वीडियो लिया है जिस पर मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊँ, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पर ये थ्री डॉट से लेकर मैंने इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कर ली है। अब दोस्तों इनके लिए मैं इनमें से एक वीडियो को कॉपी सॉरी रिवर्स कर लेता हूँ और फिर दोनों को एक साथ प्ले करके देखते हैं। तो ये मैंने रिवर्स ऑप्शन के द्वारा रिवर्स कर ली है और अब इन दोनों को एक साथ प्ले करते हैं। दोस्तों इसका यूज़ आप टिकटॉक पर अगर कोई वीडियो बनाते हैं या फिर किसी भी तरह की इस टाइप की इफेक्ट देना चाहते हैं जिसमें रिवर्स इफेक्ट देना है तो अब आप मोबाइल से ही ये काइनेमास्टर ऐप का यूज़ करके भी रिवर्स वीडियो बना सकते हैं। ये देखिए कितना बेहतरीन इफेक्ट लग रहा है,
अब आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट है आपका अल्फा यानी ओपेसिटी। आपको किसी वीडियो या इमेज को अगर ट्रांसपेरेंट करना है तो आप ओपेसिटी के ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं, और साथ में किसी भी वीडियो को फिल्टर्स वगैरह देना है तो उससे भी आप दे सकते हैं। तो इसमें इस एप्लीकेशन में जो अपडेट आए हैं वो बहुत ही अच्छा है, और जो EQ जो ऑप्शन दिख रहा है ये ज़्यादातर किसी भी वीडियो में अगर साउंड है या फिर कोई भी म्यूज़िक है तो आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, ये बेसिकली साउंड के लिए रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर अब मैं आपके लिए एक वीडियो और ले रहा हूँ यहाँ पर, और उसमें आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का यूज़ करके दिखाऊँ जिसका नाम है ब्लेंडिंग का। तो दोस्तों ये ब्लेंडिंग क्या है, तो ब्लेंडिंग में दोस्तों बेसिकली वैसे तो इसका ट्रांसपेरेंट टाइप का अगर कोई वीडियो चलाना है आपको या फिर अलग फिल्टर्स टाइप में आपको देना है तो इसका यूज़ आप करके देख सकते हैं। ब्लेंडिंग में आपका इमेज में भी सपोर्ट होता है और वीडियो में भी ये सपोर्ट है, तो जो भी इफेक्ट है आप उसे यूज करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा फीचर है, इसे यूज़ करने पर ही आपके लिए पता चलेगा। ये येलो जो मार्क लगा है ये प्रीमियम है, जो कि आपके लिए खरीदना पड़ सकते हैं, वरना फ्री में आपके लिए एक ऑप्शन ही मिलता है। अब आपका नेक्स्ट फीचर जो बड़ा है इस अपडेट में, उसके लिए दोस्तों आपने अगर मीडिया ब्राउजर से कोई भी वीडियो या इमेज ली है तो उसे आप सेलेक्ट कीजिए, और उसकी जब आप डुप्लीकेट करते हैं, जैसे कि मैंने इस इमेज को लिया और ये 3 डॉट्स के द्वारा डुप्लीकेट कर लिया, तो इसका ये जो डुप्लीकेट साइड में आ जाता है। मगर अब आप इसके लिए इसे सेलेक्ट करके जब 3 डॉट्स के नीचे आप देखेंगे तो एक ऑप्शन और बड़ा है, डुप्लीकेट लेयर। तो लेयर में ये जो देखते हैं आप नीचे के साइड, ये इसकी कॉपी होकर आ जाती है। तो ये फीचर्स ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था। इसके अलावा दोस्तों इस अपडेट में अगर आप नए फीचर्स को और भी ज़्यादा डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जो एसेट स्टोर का ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे एसेट स्टोर पर, और यहाँ से आप नए नए फीचर्स और भी ज़्यादा डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी ये डाउनलोड करना सिखाया है, मगर दोस्तों उस वीडियोज़ में ये जो आपके सामने ये जो एसेट दिख रहे हैं, एफेक्ट्स वगैरह दिख रहे हैं, टोटल दोस्तों अलग हो चुके हैं और भी ज़्यादा नए आ चुके हैं। हो सकता है थोड़े बहुत ही आपके लिए पुराने मिले, वरना आपके लिए यहाँ पर नए ही मिलेंगे। कई इसमें प्रीमियम भी है और कई फ्री भी हैं, तो आप डाउनलोड करके देखिए। और जैसे कि ये मोड एक्सप्रेशंस हैं, तो ये देखिए मैंने डाउनलोड कर किया है, ये डाउनलोड भी हो गया है। और कई चीज़ें इसमें आपके लिए पेड भी मिलती हैं, जिसमें आपके लिए पेड यानी पेमेंट की रिक्वायरमेंट करता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कई तरह के इफेक्ट हैं और एनिमेशन वगैरह है, कई तरह के आपके लिए यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि नए नए और एक से पढ़कर एक आपके लिए यहाँ पर इफेक्ट मिल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने डाउनलोड किया है वो ओवरले में किया था, और यहाँ पर लेयर ऑप्शन में ओवरले में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इफेक्ट डाउनलोड हो चुके हैं, और ये जो स्टिकर्स डाउनलोड हुए हैं वो चलित हैं यानी कि मूवेबल हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे प्ले किया है तो ये देखिए ये फेस कैसे मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह के कई मूवेबल स्टिकर्स हैं या फिर एसेट्स में आपके कई तरह के इफेक्ट्स वगैरह हैं, जो कि नए नए आपको अगर डाउनलोड करना है, ओवरले में स्टिकर्स वगैरह चाहिए हो या फिर टेक्स्ट वगैरह भी चाहिए हो या फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह चाहिए हो, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए पहले से और भी ज़्यादा इसमें मिल जाएंगे, और नए नए आपके लिए अलग अलग एक से बढ़कर एक इफेक्ट आपके लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकर्स में भी आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे स्टिकर मिल जाते हैं, जो कि मूवमेंट देने वाले यानी मूवेबल भी रहते हैं। टेक्स्ट में भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपके लिए कुछ और फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि इस अपडेट में और भी ज़्यादा बड़े हैं। तो दोस्तों आपने टाइमलाइन एरिया में किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट जब करते हैं, जैसे कि हमने स्टिकर को सिलेक्ट किया, तो ये 3 डॉट्स जो आ जाते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन डुप्लीकेट का आ जाता है, तो डुप्लीकेट तो आप कर सकते हैं, मगर उसके नीचे भी देख सकते हैं कई और फीचर्स बड़े हैं जो कि पहले नहीं थे। तो आप इनका यूज़ करके देख सकते हैं, जैसे कि सेंटर वर्टिकल है, सेंटर हॉरिजॉन्टल है। तो आपने कोई भी चीज़ को अगर सिलेक्ट किया है यहाँ पर, तो आप उसे सेंटर में, वर्टिकल में रख सकते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल में, जैसे भी रखना है आप इनका यूज करेंगे तो आपके लिए इनकी भी जानकारी धीरे धीरे लग जाएगी। तो दोस्तों प्ले स्टोर के इस काइने मास्टर के अपडेट में आपके लिए काफ़ी कुछ मिलेगा, काफ़ी कुछ नया मिलेगा, तो दोस्तों इसे आप यूज़ करके भी देख सकते हैं। अब दोस्तों जो लास्ट में मैं आपके लिए जो जानकारी देने वाला था वो ये है कि अगर आप ये सभी फीचर्स को फ्री में भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों हमारी अगली वीडियो को इंतजार कीजिए। उस वीडियो में ये सभी फीचर्स हम आपके लिए फ्री में भी डाउनलोड करना दिखाएंगे, कि ये एक एक चीज़ जितनी भी आपने प्रीमियम देखी है, हर चीज़ को अप्लाई करने पर आपके लिए पेड यानी
पेमेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है तो वो आपके लिए नहीं पड़ेगी, आप हर चीज़ फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और इन्हें यूज कर सकते हो। तो दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि प्ले स्टोर के इस काने मास्टर के ये अपडेट आपके लिए कैसे लगे, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय।